कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली के मिरगावा के विनोद का 2.5 साल का बेटा हिमांशु खेलते खेलते घर के बाहर स्थित तालाब में गिर गया। हादसे के वक्त उसकी पत्नी अर्चना घर पर नहीं थी। अर्चना ने वापस लौटकर बेटे को नहीं पाया तो उसने बेटे की खोज शुरू कर दी। तभी उसकी नज़र तालाब में डूब रहे अपने बेटे पर पड़ी। अर्चना वहीं से चीख चीख कर बेटे को बचाने की गुहार लगाने लगी। चीख सुनकर पड़ोस में छत पर बैठी सोनी ने छत से ही तालाब में छलांग मार दी। वह किसी तरह मासूम हिमांशु को लेकर तालाब से बाहर आ गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। क्या हो गया था? हम छत पर ठहरे, बच्चा बूढ़ी रहा, हम कूद पड़े, फिर काम ने लिकारा, जब लिकारा तब लोग खत्म होगा। तुम बता, पता चला तुम भी बच गए? और काम जान दे बची, हम खुद चले गए। तुम्हें डर नहीं लगा था कि तुम भी? हाँ, हमने जब बच्चे पहलते थे हम कूद पड़े। कितना लड़का खेलते खेलते, पता नहीं घर में सब लोग रहते नहीं, कोई खेलते खेलते चला गया। एक लड़की पठानगिरी थी, वो फोन ऑन कर रही थी, तब उसकी उंगली दिखाई दी, तब फिर जब कूद पड़ी एकदम बहुत बच के डूब जाती। हमारे गांव मिरगांव में जो बच्चा ये डूबा है उसको बचाने के प्रयास में सोनी नाम की लड़की ने किया है, वो एक तारीफ के लायक है। ये लड़की ने अपनी जान पर खेल के और तालाब में कूद के बच्ची को बचाने का संपूर्ण प्रयास किया, जिसको बचाने में इस बच्ची के गोते लगे हैं। ये नारी शक्ति की एक मिसाल है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। हिंदू बच्ची के लिए मुसलमान लड़की ने अपना प्राणों की आहुति लगा के बचाने की कोशिश की।